उस तरफ धूल वगैरह उड़ा देती है, और जो दाना होता है वो इधर गिर जाता है। इससे काफ़ी हमारी फीड वगैरह जो है ना वो बच जाती है। तो दोस्तों ये चेक करें जी, कवर है, सब कुछ कवर किया हुआ है, तरपालें सब डाली हुई हैं सर्दी से बचाव के लिए। बाहर बहुत सर्दी हो गई है, सर्दियाँ तो हैं इधर, टम्परेचर भी बहुत लो है, तो बर्ड्स की सेफ्टी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ हम बर्ड्स को फीड कौन सी डालते हैं, और मौसम अगर ठंडा हो तो बाहर से फिर कवर कैसे करते हैं, और फीड साफ किस में करते हैं, उस सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है वो ड्रमी जिसमें दाना वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। ये है जी दाना बड़े परिंदों का, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बाजरा है, चीना है, भांग है, सूरजमुखी के बीज है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें ना मिक्स है, दो तीन किस्म के चीना वगैरह। तो ये सारे जो बड़े परिंदे हैं ना उनको डालते हैं, उनके मैं बर्तन आपको दिखाता हूँ जिनमें हम फीड डालते हैं। बेसिकली वजह ये है इस बर्तन में रखने का, ये दाना ज़ाया नहीं होता इससे, ठीक है। जब ये दाना खा लेते हैं इस तरह का, ये बन जाता है ना छिलका टाइप बन जाता है, कुछ दाना नीचे बैठ जाता है जो परिंदों को मिलता नहीं है, जैसे बाजरा वगैरह और ये दूसरी चीज़ें ना ये मिलती नहीं है। तो वो पहले मशीन नहीं थी तो फिर ज़ाया हो जाता था। तो अब जब मशीन लाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको मैं दूसरा दाना दिखा दूँ छोटे बर्ड्स का, ये चेक करें। ये अब छोटे बर्ड्स का दाना है जो हम स्टेलियन वगैरह को डालते हैं, होगो को डालते हैं, पुरकी राम वगैरह को भी यही डाल जाता है आई थिंक। तो ये उनके लिए दाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये होगो वगैरह को, ये सबको ये पड़ा हुआ है, इधर भी यही दाना पड़ा हुआ है, और ठीक है ये देखें। और इस तरफ ये जो अंडे हैं ना, ये डेड एंड शैल हो गए हैं, कोई चाल के रोग गए हैं, ठीक है। ये सब बर्ड्स के अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं मशीन आपको बाहर दिखाता हूँ, मशीन का बेसिकली सिस्टम क्या है और कैसे वो करती है वर्क। पहले दाना ज़ाया होता था, अब दाना ज़ाया नहीं होता। ये वर्क किस तरह करती है कि इसके ऊपर से डाला डालते हैं, इस तरफ लगा हुआ है इसका एग्जॉस्ट, जो हवा से जो छिलका है वो इस तरफ गिरा देती है, कुछ बाहर उस तरफ धूल वगैरह उड़ा देती है, और जो दाना होता है वो इधर गिर जाता है। इससे काफ़ी हमारी फीड वगैरह जो है ना वो बच जाती है। तो जो भी शौकीन लोग हैं वो इस मशीन का यूज़ करें, काफ़ी बचत होती है दाने में। आजकल महंगाई में दाना ही इतना कॉस्टली हो गया कि बंदा क्या करे, यहाँ से धूल वगैरह बाहर आती है। तो ये भाई मैंने रात का क्लिप लिया है, तो ये हमने दाना वगैरह साफ़ किया, ये चेक करें, काफ़ी हमें इसमें बचत तो आई है दाने में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जो गंद निकला है वो सारा इस तरफ आ गया, बहुत वजनी है, ये चेक करें, ठीक है। ये सारा गंद निकला है इसमें से, और वो सारा भी देखें निकला है। तो जो साफ दाना था वो अंदर अब बाई डाल रहा है तोतों को, ठीक है, उसमें डाल दिया वापस। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैंने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।